हे गाइस वेलकम टू लास्ट होप मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक के बारे में बट बिफोर वी स्टार्ट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन स्टार्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक होता क्या है तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एज सच प्रॉपर्टीज एज yeah, नहीं होगा आर होगा आर यहाँ होगा प्रॉपर्टीज प्रोवाइड सेफ्टी स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमी टू द एनी सिविल इंजीनियरिंग ठीक क्या होता है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि हम हमारे किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को सेफ्टी स्टेबिलिटी इकोनॉमी प्रोवाइड करते हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को हम बेसिकली दो ब्रॉड हेडिंग्स के अंडर डिस्कस करते हैं पहला तो है रॉक एज मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन और दूसरा है रॉक एज साइट फॉर कंस्ट्रक्शन रॉक एज मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन हम यहाँ देखेंगे रॉक कैन बी यूज एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम रॉक को कब यूज करेंगे या तो एज अ बिल्डिंग स्टोन या तो एज अ रोड मटेरियल बिल्डिंग स्टोन बिल्डिंग स्टोन्स में भी डिफाइंड एज ए साउंड रॉक डैट कैन बी सेफली यूज इन द कंस्ट्रक्शन एज अ मैसिव ड्रेस्ड एंड अनस्ड यूनिट फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स Are rock used in building constructions for foundation, floor, wall, roofs? Also, rock used in the construction of dam dams, retaining wall along the roadside, road, side, road ki kinar, kinar along the valleys mostly. Ki retaining wall jata hai, that is retaining wall, and for the lining in the tunnels are the example of building stones. प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स विच आर टू बी कंसिडर्ड बिफोर सेलेक्टिंग एनी कंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड दिचुएशन ऑन विच द पर्टिकुलरली स्ट्रोंगस इज इंटेंटेड टू बी यूज क्या है कि हम देखते हैं पहले कि हम किस टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सपोज़ हम एक एयरपोर्ट बनाएंगे तो हम वहाँ जिस वैरायटी का रॉक मटेरियल यूज़ करेंगे वही हम सेम वैरायटी का रॉक मटेरियल को नहीं यूज कर सकते हैं फॉर अ ड्रेनेज मीन्स हम सिचुएशन के बेसिस पे अलग अलग रॉक मटेरियल को यूज़ करेंगे बिफोर सेलेक्टिंग एनी बिल्डिंग स्टोन्स फॉर एनी प्रोजेक्ट इट मस्ट बी टेस्टेड ऑन द फॉलोइंग हेडिंग्स के अंडर में हम टेस्ट करते हैं बिफोर यूजिंग एनी बिल्डिंग स्टोन फॉर एनी प्रोजेक्ट जैसे कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज उसका क्या है जियोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है और कुछ जनरल कैरेक्टर क्या है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स अब ये क्या होता है द फॉलोइंग आर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स विच आर टू बी टेस्टेड बिफोर सेलेक्टिंग एनी स्टोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे अगर हम किसी भी रॉक मटेरियल को यूज करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं कुछ फॉलोइंग जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है उसको हम डिस्कस करते हैं जैसे कि उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ क्या है उसकी पोरोसिटी क्या है डेंसिटी क्या है एवरेसिव रेसिस्टेंस कैसी है उसकी और फॉस्ट एंड फायर रेसिस्टेंस कैसा है क्रशिंग स्ट्रेंथ क्रशिंग स्ट्रेंथ को हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए मैक्सिमम फोर्स एक्सप्रेस पर यूनिट एरिया विच स्टोन्स कैन विथ जितना स्टोन झेल सकता है वो मैक्सिमम फोर्स को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं और अगर हम थोड़ा सा भी अगर फोर्स को बढ़ा दें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा कर दें तो क्या होगा कि जो स्टोन है जो रॉक है वो क्या हो जाएगा रप्चर कर जाएगा टूट जाएगा वेदर फ्रेगमेंटेड हो जाएगा ठीक इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर करते हैं तो सी नॉट इज इक्वल टू पी बाई ए अब यहाँ सी नॉट जो है वो क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है पी जो है लोड एट फेलियर है ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस अंडर प्रेशर, ठीक अब इसकी यूनिट जो है वो है के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्रसिंग स्ट्रेंथ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इट कैन बी बी ऑफ टू टाइप्स हैं दो टाइप के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होते हैं पहला तो होता है यूनि एक्सीएल जिसको कि अनकनफाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी कहते हैं और दूसरा है ट्राई एक्सीएल जिसको क्या कहते हैं कॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्रसिंग स्ट्रेंथ क्या है तो क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ एनी रॉक डिपेंड ऑन द फॉलविंग फैक्टर किन फैक्टर पर डिपेंड करता है तो कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर मोड ऑफ फॉर्मेशन ठीक जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ शो करते हैं ठीक कैरेक्टर उनकी है होती है किन की इग्नियस रॉक की कॉम्पैक्ट होते हैं इंटरलॉकिंग टेक्सचर होता है और यूनिफॉर्मिटी इन स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी होता है इसी वजह से ये क्या होते हैं हाई क्रॉसिंग स्ट्रेंथ शो करते हैं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रो रॉक जो हैं वो थोड़ा लो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ शो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेडिंग प्लेन फोलिएशन सिस्टोसिटी एंड क्लीवेज आप जानते हैं कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हों या मेटामॉर्फिक रॉक हों उनमें ये फीचर्स शो करते हैं डेट इज़ वाई ये क्या है थोड़ा लो क्रशिंग स्ट्रेंथ शो करते हैं सैंड स्टोन शोज़ अ वेरी लो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वैन लोडेड पैरल टू द बेडिंग प्लेन, जब बेडिंग प्लेन के पैरल अगर हम रख दें सैंडोन को तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाती है लो हो जाती है जबकि परपेंडिकुलर रख दिया उसी सेम को तो क्या हो जाएगा क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा इसकी बढ़ जाएगी ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ ए स्टोन टू विथ स्टैंड बेंडिंग लोड्स किसी भी स्टोन को हम अगर बेंड करें तो कितना लोड को झेल पाता है सह पाता है उसी को हम ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ कहते हैं वेन अ स्टोन इज यूज एज बीम और लिंटल किसी भी स्टोन को हम बीम या लिंटल के रूप में यूज़ करते हैं तो उसके हम ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं पहचानते हैं थ्रू द मॉडलस ऑफ रपच्चर जिसको हम आर से डिनोट करते हैं फार्मूला है थ्री डब्लू एल बाई टू बी डी स्क्वायर जहाँ की आर जो है मॉडलस ऑफ रप्चर है डब्लू जो है वेट एट विच सैम्पल ब्रेक्स एल जो है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन है एंड बी इज़ द वथ एंड दी इज द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेंट इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट है के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ को हम डिटमाइन करते हैं प्रैक्टिकली बाई न, क्या है बाई लोडिंग ट्रांसवर्सली बार से टेस्ट स्पेसीमेंट सपोर्टेड एट द एंड फ्राम बिलो क्या करते हैं कि नीचे से दो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद बीच में हम इसके लोड अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना हम इस पर फोर्स अप्लाई किए और कितना फोर्स को वो झेल पाया और इसी से हम ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर पाते हैं पोरोसिटी क्या होता है तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि पोर्स मीन्स होता है छेद और पोरोसिटी जो है उसी से टर्न डेवलप किया गया है डिटरमाइंड हुआ है पोरोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर्स कितना टोटल पोर्स है उसका रेशियो एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक सैंपल टोटल रॉक सैंपल कितना है दोनों का रेशियो हम निकाल देंगे तो उससे हम पोरोसिटी निकल जाएगी द रॉक विल बी हाईली पोरस इफ कम्पोज ऑफ इस्फेरिकल और राउंडेड ग्रेन्स अगर रॉक क्या हो कि इस्फेरिकल हो या राउंडेड ग्रेन्स के से बना होता है और इफ़ द सीमेंटिंग मटेरियल्स आर अन इवेंली और पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड या जो सीमेंटिंग मटेरियल हैं वो अनइनली या पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो क्या होता है रॉक हाइली पोरस होता है क्या होता है रॉक हाइली पोरस कब होगा हाइली पोरस तब होगा जब उसमें जो जिस मटेरियल से वो बना है वो सीमेंटिंग मटीरियल अगर हम बात करें तो वो अनइनली या पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब या तो उसके अगर ग्रेंस जो हैं स्फेरिकल या राउंडेड होंगे तब ये हाईली पोरस होने का चांसेस है और हम ये जानते हैं कि अगर पोरोसिटी अगर हाई है तो क्या होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी लेसर होगी लो होगी यूज ऑफ हाईली पोरस वैरायटी ऑफ स्टोन हम जानते हैं कि ज़्यादा पोरस वैरायटी का स्टोन अगर कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे तो हमारा जो बिल्डिंग होगा वो अच्छा नहीं बनेगा कोई भी बिल्डिंग में अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़ हो बिल्डिंग ही नहीं रोड भी या कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अगर हम पोरस मटेरियल से बना रहे हैं तो वो हमारा सही नहीं बनने वाला है प्रेजेंस ऑफ वाटर विद इन द पोस्ट डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द रो ये तो हम जानते हैं कि पोस्ट में जब वाटर चला जाता है तो क्या होता है कि फोर्स्ट एक्शन यहाँ काम करने लगता है इन कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होगा कि जो वाटर प्रो पोर्स में है वो क्या होगा कि फ्रीज हो जाएगा और फ्रीज होने के बाद क्या होता है कि हम जानते हैं कि वाटर जब फ्रीज होता है तो वो एक्सपेंड करता है और एक्सपेंशन के कारण क्या होता है कि वो इनवर्ड फोर्स लगाएगा किसके ऊपर उस रॉक मटेरियल के ऊपर उस स्टोन के ऊपर और जिसके कारण वो रॉक मटेरियल्स क्या हो जाएगा रप्चर कर जाएगा टूट जाएगा ओके okay. पोरोसिटी के लिए फार्मूला है पी इज इक्वल टू डब्लू टू माइनस डब्ल्यू वन बाई वी इन टू हंड्रेड डब्लू टू टू जो यहाँ है वेट ऑफ ड्राई रॉक है डब्ल्यू वन जो है वेट ऑफ सेचूरेटेड सैंपल है वी वॉल्यूम है ये फॉर्मूला याद कर लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ देता है इस क्वेश्चन की पी इज इक्वल टू क्या होता है जब हम क्वेश्चन सेशन करेंगे तो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसे यूज़ करना है अभी के लिए ये फार्मूला बस ध्यान में रख लो डेंसिटी डेंसिटी सबको एक को पता है कि डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली तीन टाइप के डेंसिटी को हम यहाँ कंसीडर करते हैं एक ड्राई डेंसिटी दूसरा बल्क डेंसिटी और तीसरा सैचुरेटेड डेंसिटी ड्राई डेंसिटी में क्या होता है कि हम इसके ड्राई स्पेसम ड्राई रॉक स्पेसम को देखते हैं कंसिडर करते हैं क्या होता है ड्राई डेंसिटी क्या है वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एब्सोलुटली ऑफ एन एब्सोलटली ड्राई रॉक स्पेसमेंट एकदम पूरी तरह से ड्राई रॉक स्पेसमेंट अगर है तो उसका हम अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकाल रहे हैं यहाँ वेट पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है उसी को कंसिडर करना है कि आपको मास पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं तो उसे हम ड्राई डेंसिटी कहेंगे वहीं अगर इसमें पोर्स होंगे ये पोरस मटेरियल होगा और वो पार्सली अगर फिल्ड होगा वाटर से तो उसे बोलेंगे हम बल्क डेंसिटी और जब ये फुल्ली मीन्स कम्पलीटली अगर फिल्ड होगा वाटर से तो हम इसको बोलेंगे सेचूरेटेड डेंसिटी इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में हम बल्क डेंसिटी का यूज़ करते हैं यूनिट इसका होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक डेंसर रॉक आर कंपरेटिवली स्ट्रॉगर देन द लाइटर रॉक तो हम सभी को पता है कि रॉक जितना डेंसर होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा और जितना लाइटर होगा वो उतना ही कम स्ट्रॉगर होगा आब्रेशिव रेसिस्टेंट, आब्रेशिव रेसिस्टेंट क्या होता है कि किसी भी रॉक को हम रब करें या उसको हम एब्रेशन प्रोवाइड करें तो उसके अगेंस्ट वो कितना रेसिस्टेंट है उसी को हम एब्रेसिव रेसिस्टेंट कहते हैं नहीं समझे अगर सपोज एक रॉक है रक रॉक को हम रगड़ते हैं ठीक तो कितना उसके अगेंस्ट है मतलब वो कितना कम रगड़ खाता है उसी को हम एवरेसिव रेसिस्टेंट कहते हैं आसान भाषा में तो क्या है कि हम कैसे रॉक को यूज़ करेंगे क्या होता है कि रॉक को या तो आर्टिफिशियली रब होता है या तो फिर वो नेचुरली भी रब होता है ठीक सपोज़ कीजिए कि आप रोड के अलॉन्ग फुटपाथ है रोड है रोड के अलॉन्ग फुटपाथ है तो फुटपाथ पे लोग चलेंगे तो क्या होगा उस पर एवरेशन आएगा तो हम वहाँ कैसा रॉक मटेरियल यूज़ करेंगे वहाँ ऐसा हम रॉक मटेरियल यूज़ करेंगे जो कि कम एवरेसिव हो मीन्स लेस एवरेशिव हो एवरेशि एवरेशन eh, के खिलाफ वो रेसिस्टेंट हो तो उसी टाइप से हम यहाँ बोल रहे हैं कि पेविंग अलोंग द रोड फ्लोरिंग इन द बिल्डिंग्स लाइनिंग इन द टनल्स तो इसके लिए जो हम रॉक मटेरियल यूज़ करेंगे ना वो लेस एवरेसिव होना चाहिए मीनस एवरेस्िव रेसिस्टेंट होना चाहिए ओके okay? इसके लिए हमारे पास एक मशीन है जो कि एवरेस्टिव रेसिस्टेंट ऑफ ए स्टोन को चेक करता है कि, कि कितना एक रॉक एवरेसिव है और कितना उसके खिलाफ रेसिस्टेंट है तो उसके लिए एक मशीन है जिसका नाम है डॉरीज एवरेशन टेस्टिंग मशीन ये एम एस आप जब कीजिएगा तो वहाँ आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इस मशीन को यूज़ किया जाता है अभी के लिए बस जान जाइए कि डॉरीज एब्रेशन टेस्टिंग मशीन है जो कि एवरेसिव रेसिस्टेंट किसी स्टोन का चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है फोस्ट एंड फायर रेसिस्टेंट ये क्या होता है तो फ्रॉस्ट के खिलाफ और फायर के खिलाफ कितना रेसिस्टेंट है हमारा रॉक मटेरियल हम किसी भी बिल्डिंग स्टोन को यूज़ कर रहे हैं फॉर द सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट तो हम उसको ऐसे ही नहीं यूज़ कर लेंगे देख लेंगे कि वो कितना रेसिस्टेंट है द फॉस्ट एंड फायर जैसे कि क्या होता है कि किसी भी स्टोन में जब उसमें पोर्स होता है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं कि फ्रीज कर जाते हैं इन कोल्ड वेदर और फ्रीज करने के कारण वो एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंशन के कारण क्या होता है कि वो रॉक मटेरियल डिस हो जाता है बाय द एक्सपेंशन ऑफ द वाटर तो इसके अगेंस्ट वो कितना रेसिस्टेंट है इसको हम देखेंगे दूसरा क्या है फायर रेसिस्टेंट क्या होता है कि किसी भी हम फर्नास no, में वॉल ऑफ द फर्नांस क्या होता है कि बहुत गर्म होता है और गर्मी के कारण क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं डिफरेंट मिनरल्स होते हैं एक रॉक में ना तो डिफरेंट मिनरल्स अलग अलग अपना प्रॉपर्टी शो करते हैं फायर के अगेंस्ट कोई होगा कोई मिनरल होगा ज़्यादा एक्सपेंड करेगा कोई मिनरल कम एक्सपेंड करेगा और इसी में क्या होता है कि क्रम्बलिंग हो जाता है स्टोन्स में और इसी के कारण क्या होता है कि वो रॉक मटेरियल क्या हो जाता है डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो हमको ऐसा रॉक मटेरियल यूज़ करना है कि जो कि फायर के अगेंस्ट <coughs> रेसिस्टेंट हो सॉरी तो हम लाइम स्टोन सैंडस्टोन्स यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वेरी पुअर है फायर रेसिस्टेंट रॉक तो हमको ये भी देखना है नेक्स्ट क्या है कि हमको किस टाइप का रॉक मटेरियल यूज़ करना है तो हमको हम यूज़ कर सकते हैं मैसि सैंडस्टोन्स क्वारजाइट क्योंकि ये फायर एज वेल एज एज वेल एज हीटिंग प्लेसेस को अच्छे से रीजनेबली वेल बिहेव करते हैं टूअर्ड द फायर कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स का नाम बता रहा हूँ ग्रेनाइट सैंडस्टोन्स लाइम स्टोन मार्बल स्लेट आपको क्या करना है कि इनके सभी प्रॉपर्टी जैसे कि ये फायर रेसिस्टेंट कितना है ये हीट रेसिस्टेंट कितना है ये फॉस्ट रेसिस्टेंट कितना है इसका एब्रेसिव रेसिस्टेंट कितना है इसकी डेंसिटी कितनी है इसकी पोरोसिटी कितनी है इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है कि लिखना है और लिख के क्या करना है कि अपने पास रख लेना है याद कर लेना है बिकॉज इससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है एग्जामिनेशन में कि दे देगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू फायर तो पूछ देगा ऑप्शन कि ग्रेनाइट सैंड स्टोन लाइम स्टोन मार्बल की स्लेट तो आपको उसको अरेंज करना होगा कि मोस्ट कौन है उससे कम कौन है उससे कम कौन है बोल देगा कि मोस्ट पोरस कौन सा है तो उसमें भी आपको अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर और अदर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर आशा करता हूँ कि आपको जानने को सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल